हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट लोकी की। और आप बोलेंगे कि लोकी क्यों बात कर रहे हो भैया, वेंसडे को निकल तो गया लोकी एपिसोड 4। आप और कुछ बातें करो, दिलरुबा की बातें करो, हसीन दिलरुबा की। वो हसीन दिलरुबा की बातें सुबह हो गई, उसका मैंने रिव्यू दे दिया, देख लेना चैनल पे। लोकी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने एक बड़े डियर फ्रेंड से बात कर रहा था, उसका नाम है सनी। वो काफी रेगुलरली कमेंट करता रहता है, देखना चैनल के ऊपर। तो वो बोलता है यार, मैंने तो लोकी देखा ही नहीं। तो मैंने उसको बोला यार देखो, लोकी के बारे में मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाए हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड का तो मैंने रिव्यू भी किया है। तीसरे में आके जब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था लोकी, तो मैंने सोचा कि जब तक कुछ अच्छा नहीं आता लोकी के अंदर जो बताने लायक हो, बात करने लायक हो, तब तक क्या फायदा। तो हमने दोस्तों पहले एपिसोड में देखा कि लोकी भाई साहब जो है उनको कैद कर लिया गया है टीवीए ने, और टीवीए क्या है ये एक्सप्लेन किया गया। हमने जैसे ही 2 पे स्विच ओवर किया तो हमने देखा कि लोकी ने कैसे टीवीए की हेल्प करी टू फाइंड आउट लेडी लोकी। अब तीसरे में हमने देखा कि लेडी लोकी और लोकी एक ऐसे मून पे फंस गए हैं जहां पर वो मून जो है ब्लास्ट होने वाला है और वो खत्म होने वाला है, उसके ऊपर एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं। अब चौथे में दोस्तों हमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें मिली हैं और रीजन भी मिल गया है हमें वीडियो बनाने का कि लोकी का एक्चुअली में हुआ क्या, लोकी क्या मर गया, क्योंकि जो हमने एंड में देखा तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है सीजन 4 के अंदर, थोड़े से स्पॉइलर हो सकते हैं, कि लोकी भैया और फीमेल लोकी का थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया और ऐसा लगा कि जो लोकी भैया है वो लोकी दीदी से शायद थोड़ा सा प्यार कर बैठे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी एक तो जंप थी, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि लोकी जो है वो तो ना इमोशंस में थोड़ा सा कच्ची पिटी है उसकी, तो भाई ने फिर भी प्यार कर लिया, तो ये एक बात हमें पता चली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि जो लेडी लोकी है वो जिसको हम विलन समझ रहे थे वो भी एसगार्ड से ही है, जहां से ओरिजिनल लोकी है। और एसगार्ड में टीवीए वालों ने ही उसको उठा के लेके गए थे बचपन में, किसी रीजन की वजह से जो अननोन है उनको लगता है कोई टाइमलाइन डिस्टर्ब हो गई थी, और उसके बाद जब उसको उठा के लेके गए तो स्मार्टली, क्योंकि लेडी लोकी के दिमाग तो बहुत तेज है क्योंकि है तो वो लोकी, तो उसने किसी तरीके से वो भागती फिर रही और ऐसे टाइम जोन में फंस जाती है जहां पर कयामत आने वाली होती है, जो सीजन 3 के अंदर भी हमें समझाया गया था लॉजिक ऑफ द मेन लोकी। अब ऐसा भी समझ में आया कि जो टाइम कीपर्स हैं एंड होते होते, वो टाइम कीपर नहीं है, वो रोबोट्स हैं, और टीवीए जो है बहुत बड़ी कुछ साजिश सी चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि टाइम कीपर्स उनको चला रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हमने बड़ी क्लियरली देखा कि जितने भी 3 महारथी बैठे हुए टाइम कीपर्स वो एक्चुअली रोबोट थे, और एक की तो मुंडी भी गिर जाती है जब लेडी लोकी उसके ऊपर वार करती है, और ये खुलासा होता है। और एंड में हम देखते हैं दोस्तों कि लोकी जो होता है अपना प्यार एक्सप्रेस करने ही वाला होता है लेडी लोकी के लिए, और उसी टाइम पे उसको वैनिश करा दिया जाता है, मार दिया जाता है। उससे पहले ओवन विल्सन को भी मार दिया गया था, तो अब ये ऐसा झोलझाल हो गया कि क्या लोकी जी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लोकी का थैंक यू हो गया। तो दोस्तों एंड सीन शायद बहुत से लोग मिस कर गए, और एंड सीन में हमें ये पता चला कि लोकी के और थोड़े से वेरियंट्स हैं जो उसको बचाने के लिए आ गए हैं, और वो स्पेस क्या है, और वो बोलते कि जल्दी जल्दी हमारे साथ आ जाओ अगर तुम बचना चाहते हो, तो वो जल्दी जल्दी क्या है, ये कौन सी जगह है, ये सब बातें दोस्तों हमें अब एपिसोड 5 में क्लियर होगी। ये बात तो क्लियर होगी कि अपना लोकी कहीं नहीं जा रहा, तो रेस्ट एश्योर्ड वो होगा। अब लोकी और लेडी लोकी की कहानी आगे क्या बढ़ेगी, लव होगा कि नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, वो हम देखेंगे। और ये जो बाकी वेरियंट आए हैं इंक्लूडिंग बच्चा लोकी, और आप सोच रहे हो कि मुझे इतना पसीना क्यों हो रहा है भैया, नहीं तो वॉल्यूम ठीक नहीं आता, पंखा बंद करना पड़ता है, एसी चलाओ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, माइक भी नहीं लगाया ना मैंने, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द होल सिचुएशन, तो भैया लोकी कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट एश्योर्ड। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि लोकी भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, इंजॉय करना, और बीच में कहीं रस्ते में मत छोड़ देना कि भैया लोकी तो चला गया, मेरे को देखने के लिए क्या है, बहुत कुछ है अभी 2 एपिसोड बाकी बचे हुए, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन मैं तो बोलूंगा एपिसोड 4 बनाए, और आउट ऑफ 4 एपिसोड्स दैट आई हैव सीन so far episode 4 is my favorite now. So until next time, take good care of yourself and we will meet again with deeper reviews, insights about web series and maybe some gossip about celebrities. Subscribe karna mat bhulna. Bye bye.